तो सोशल इशू पे मैंने लिखा है, अब लगता है मुझ में ठहराव सा गया है, अब लगता है मुझ में ठहराव सा गया है, बहुत ठोकर खाकर ही सही, पर लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है। नहीं कहती हूँ अब कोई भी बात बिना सोचे समझे, वो बच्चों सा दिल अब ठोकर खा गया है, अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है। ये दुनिया बड़ा ही जज करती है हमें, शायद इस बात से आ गया है, अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है। नहीं कहती हूँ अब कोई भी बात बिना सोचे समझे, वो बच्चों सा दिल अब ठोकर खा गया है, अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है। ये दुनिया बड़ा ही जज करती है हमें, शायद इस बात से आ गया है, अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है। वो अलहड़पन, वो बिन मतलब की हंसी, वो बारिश में यूं ही भीग जाना, किसी के जरा से डांट देने पर भी रूठ जाना, किसी के जरा से डांट देने पर भी रूठ जाना, वो माँ के लाख मनाने पर भी खाना नहीं खाना, वो अपनी पसंद की एक छोटी सी चीज के लिए पूरे घर को सर पर उठाना, वो भर ठंड में बिना बीमार होने की परवाह किए आइसक्रीम खाना, लड़का हो या लड़की बिना सोचे समझे सबको अपना दोस्त बनाना, गुम गया है शायद कहीं वो कुछ, या छुप गया है किसी के डर से कि कहीं कोई जज न कर ले कि फिजूल में क्यों हंसती हो, यहाँ से वहां क्यों फिरती हो, तुम लड़की हो, लोग क्या सोचेंगे, सोचा है कभी, इतनी जोर से मत हंसा करो, ऐसे मत चला करो, सोच समझ कर बोला करो, लोग क्या सोचेंगे, सोचा है कभी, लड़कों को दोस्त मत बनाया करो, इतनी देर से घर मत आया करो, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने, क्या लड़कों को उकसाना चाहती हो, पर कोई ये क्यों नहीं कहता, जो ऐसा सोचते हैं उन्हें शर्म कब आएगी, ये सारी दुनिया इस पर कब गौर फरमाएगी, जिसने छेड़ा या रेप किया उसकी कोई गलती नहीं, इज्जत उसकी नहीं, इज्जत तो तुम्हारी गई, मुजरिम को सजा देने के बदले कब तक नारी को सजा मिलती जाएगी, ये दुनिया कब तक यूं ही माँ बहन बेटी के इज्जत पर लांछन लगाएगी, क्यों उस लड़की को जिंदगी भर जीने नहीं दिया जाता है, तुम किसी काबिल नहीं हो सारी जिंदगी ये एहसास कराया जाता है, जबकि गलती करने वाला सिर्फ कुछ साल की सजा पाकर बाहर आ जाता है, पर उस नारी को तुम अपवित्र हो ये कह कहकर कभी उसे हादसे से उभरने नहीं दिया जाता है, वो लड़का है गलती हो जाती है ये कहकर उसे छोड़ दिया जाता है, और जिसकी कोई गलती नहीं क्यों उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है, जब ये टैग लड़की पर से जिंदगी भर नहीं छूटने देते ये लोग, तो उन दरिंदों को मौत की सजा क्यों नहीं देते ये लोग, खैर छोड़ो जाने दो, इस समस्या का कोई हल नहीं है, तुम लड़की हो तुम्हें ही समझना होगा, तुम्हें ही बचकर चलना होगा, कोई तुम्हारे बारे में कोई टिप्पणी ना कर दे ये सोचकर तुम्हें ही हमेशा पर्दे में रहना होगा, भैया हम तो बड़े संस्कारों वाले हैं, तुम्हारी आवाज, तुम औरत हो तुम्हें ही समझना होगा, ये कहकर तुम्हें ही चुप कराएंगे, तुम्हें ही हम घूंघट पहनाएंगे, मगर हम उनकी नजरों को नजरबंद नहीं कर पाएंगे, जो तुम्हें ऐसे देखते हैं उनकी अकल ठिकाने हम कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि तुम नारी हो, तुम संस्कारी हो, अरे वो तो मवाली है, तुम्हें चुप हो जाओ, क्योंकि घर की इज्जत तुम्हारी ही तो जिम्मेदारी है, ये सुन सुनकर अब लगता है मुझ में ठहराव सा आ गया है, ऐसा नहीं कि मन नहीं करता अब मन मर्जियों से जीने का, मगर जिम्मेदारियों ने, लोगों के जजमेंट ने मुझे ऐसा बना दिया है कि तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि तुम एक नारी हो, जिंदगी का वो स्वाद चखाया इन कुरीतियों ने कि लगता है अब मुझ में ठहराव सा आ गया है, अपने लिए कुछ करना भी चाहूँ तो शायद अब किसी को रास नहीं आए, क्योंकि तुम अपने लिए कैसे सोच सकती हो, उदारता तुम्हारा कर्म है और सबके लिए जीना तुम्हारा फर्ज है, अपने लिए सोचोगी तो स्वार्थी कहलाओगी, तुम्हें अपने लिए जीने का कोई हक नहीं है, ये हम कभी कहेंगे नहीं, मगर हम तुमसे चाहते यही हैं, अब किस किस को समझाऊं मैं कि माना मैं एक नारी हूँ, बलिदान देना शायद मेरी जिम्मेदारी है, पर आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं एक इंसान भी हूँ, तो जैसे मैं रखती हूँ आप सबकी भावनाओं का ख्याल, वैसे ही मेरी भावनाओं का ख्याल रखना कि आप सबकी नहीं जिम्मेदारी है, अपने परिवार की खुशी के लिए सारी जिंदगी उनके फैसलों पर चलना मंजूर है मुझे, पर क्या आपको नहीं लगता हमारी जिंदगी के कुछ फैसलों की हम भी अधिकारी हैं, मैं पूछती हूँ आज एक बात इस संसार से कि मैं कभी माँ बनी, कभी बेटी, कभी बहन, न जाने किस किस रूप में सारा जीवन मैंने जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो क्या मेरी रक्षा करना, मेरे अधिकारों के लिए लड़ना आप सबकी नहीं जिम्मेदारी है, ये परखने के सिलसिले खत्म हो अगर इस जमाने से,
ये परखने के सिलसिले खत्म हो अगर इस जमाने से, तो स्त्री और पुरुष के भेद से उभर कर मैं खुद को एक इंसान कहना चाहती हूँ। मैं जो हूँ वो मैं होना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।